कक्षा 10वीं 11वीं गणित रसी संकाय विषय गणित अध्याय समांतर श्रेणी श्रेणी एधन भी एरेन दो भी एरेन पांच भी का एन प्लस वनवा पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा पद, इस श्रेणी में प्रथम पद। अगर इस श्रेणी में हम ध्यान से देखें तो प्रथम पद हमको मिलता है ई बराबरी से। प्रथम पद क्या ए बराबरी से, पहला पद ए बराबरी से हमारे पास है क्या ए प्लस दो भी, और साथ ही साथ सार्वंतर यानी कि डी का मान, सार्वंतर डी यानी कि दूसरे में से पहले पद को क्या कर देंगे हम घटा देंगे, मतलब ए ऋण दो भी में से किसको घटाना है ए धन बी को, ए धन बी को क्या करेंगे घटाएंगे। तो ए का भी चिन्ह ऋण बी का भी चिन्ह ऋण ए से ए घट गया, ऋण दो बी में ऋण बी जुड़ गया तो क्या आ गया ऋण तीन बी, तीन बी। अब हमारे पास जानते हम समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कौन सा एन प्लस वन वापस, सबसे पहले एन व पद देखें तो एन व पद हम लिखते हैं समांतर श्रेणी का, उसका सूत्र हमारे पास है कुछ इस प्रकार से टी एन बराबरी से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन की जगह पर किसकी जगह पर एन की जगह पर हमको एन प्लस वन लिखना है, क्योंकि हमको श्रेणी का एन प्लस वन व पद चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यह ध्यान से देखिए टी एन प्लस वन व पद बराबरी से ए की जगह पर ए प्लस टू बी प्लस एन की जगह पर एन प्लस वन माइनस वन डी माइनस थ्री बी, टी एन प्लस वन इक्वल्स टू ए प्लस टू बी। अब यहां देखेंगे तो प्लस वन से माइनस वन तो घट गया, एन का गुना माइनस थ्री बी में हो जाएगा तो माइनस थ्री एन बी। दोनों ही पदों में क्या बी का मान है तो हम लिख सकते हैं टी एन प्लस वन इक्वल टू ए, दोनों पदों से यदि माइनस थ्री बी को कामन लिया या माइनस को कामन लिया माइनस बी को कामन लिया तो यहां बचेगा थ्री एन, ये माइनस प्लस में और ये प्लस इसमें, सॉरी यहां पर पहला पद है ए प्लस बी, पहला पद क्या है ए प्लस बी। तो ऐसी कंडीशन में यहां बचेगा 3n माइनस वन। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।